नमस्ते दोस्तों दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक ही बात बोलूँगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, उसके बाद आप वीडियो सीधा शुरू करते हैं। आप देखोगे जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उसका जो प्राइस है वो 3850 रुपये है। ठीक है, प्राइस देख कर मत भाग जाना, एक एक चीज़ क्लियर करूँगा तो समझ में आ जाएगी कि कितने रिटर्न इसमें बनने वाले हैं आने वाले समय में। दोस्तों आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूँ उसकी सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं क्यों लेकर आया हूं। दोस्तों इस शेयर ने 8 गुना रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में बनाकर दिए हैं। समझ गए होंगे भाई, बहुत तगड़े रिटर्न इसने हमें बनाकर दिए हैं। सेकंड, आने वाले 10 सालों में भी, यानी इस शेयर में इतना पोटेंशियल है कि आने वाले 10 सालों में भी ये इसी कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ कर सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बात के। क्यों हैं? अभी कंपनी के फंडामेंटल्स दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद सीधा कंपनी के टेक्निकल्स की बात करें तो आप देखोगे 6 महीने में 13.31% का अच्छा रिटर्न दिया है, जो कि इसमें गिरावट के बाद का रिटर्न है। 1 साल की बात करें तो हमें 14% की गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन जब हम किसी स्टॉक से मल्टीपल का रिटर्न चाहते हैं तो भाई वो लॉन्ग टर्म, थोड़ा समय मांगते हैं। अब इसमें अगर हम देखें 5 साल में, तो 5 साल में देखोगे इसने 393% का अच्छा खासा रिटर्न हमें बनाकर दिया है। और अगर मैक्सिमम में इसी चीज़ को देखें तो भाई 1775% का रिटर्न, इस नंबर को ध्यान में रख लो कितना तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया है। और आने वाले 10 सालों में ना, आने वाले 10 सालों में भी ये इसी कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ करने वाला है। अब दिखाता हूँ मैं क्यों करने वाला है। सीधा चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पर। अब यहाँ पर अगर कंपनी की फंडामेंटल्स पे देखोगे तो सबसे पहले कंपनी की मार्केट कैप पर नज़र डालते हैं। कंपनी की मार्केट कैप है 29,438 करोड़ रुपए की, यानी हमें समझ में आता है कि एक वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी है। कंपनी का स्टॉक भी जरूर हमें अभी थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन कंपनी की ROC और ROE दोनों ही बहुत ही शानदार है। कंपनी हमें 0.80% का डिविडेंड भी पे आउट करती है। अब डिविडेंड पे आउट करने से हमें क्या समझ में आता है? यहाँ से हमें यह समझ में आता है कि भाई कहीं ना कहीं कंपनी प्रॉफिटेबल है, और अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो कहीं ना कहीं कंपनी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट भी जनरेट कर रही होगी। सीधा कंपनी के सेल पर नज़र डालते हैं कि कंपनी की क्या सेल है। मार्च 2021 में अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 4,178 यानी 4,188 करोड़ की सेल करी है, जो इस साल बढ़कर 5,711 करोड़ की हो चुकी है। एक जो नोटिस करने वाली चीज़ है वो आप इसकी सेल में कंसिस्टेंस ग्रोथ देखो। बार बार हर चीज़ हर जगह दिखाऊंगा कि क्यों आने वाले 10 सालों में इसी कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न देगा। इसके आप सेल पर जरा नज़र डालो और देखो किस ग्रोथ के साथ हर साल बढ़ी है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल के जो सेल है वो कम हो गई हो, हर साल सेल बढ़ी है, नोटिस करने वाली चीज़ है। यही चीज़ नेट प्रॉफिट में भी नोटिस कर लो भाई, हर साल कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता ही गया है। और लास्ट ईयर कंपनी ने 451 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो इस साल बढ़कर 690 करोड़ रुपए का हो चुका है। भाई बहुत ही तगड़े तरीके से कंपनी ग्रोथ कर रही है। अब सीधा बात करते हैं कंपनी के रिजर्व और डेब्ट की, यानी कर्ज और रिजर्व कंपनी पे कितना अवेलेबल है। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, 3448 करोड़ रुपये कंपनी पे एज अ रिजर्व अवेलेबल हैं, तो वहीं पे कंपनी पे जो डेब्ट है वो 752 करोड़ का है। सिंपल सी बात है, 752 करोड़ का डेब्ट कहीं भी मायने नहीं रखता है 3448 करोड़ के रिजर्व के आगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर कंपनी में कल कंपनी के जो कुछ बदलाव वगैरह होते भी हैं तो उसके बाद भी या कंपनी में कुछ गिरावट या कुछ मतलब ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिले जिससे कंपनी को परेशानी हो, उसमें कंपनी अपने आप को संभाल सकती है, क्योंकि कंपनी पर अच्छा खासा रिजर्व इस समय अवेलेबल है। बात करते हैं जो सबसे मेन चीज़ है और जो सबसे बड़ा कारण है कि ये आने वाले 10 सालों में भी हमें इसमें ग्रोथ दिखती है, वो क्यों दिखती है। दोस्तों देखो, हम में से कोई भी ना कोई भी एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन हम खुद की एनालिसिस करते हैं। और सेकंड, जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, हम उनके एक्सपीरियंस पे भी इन्वेस्ट करते हैं। आप मानो ना मानो, आप कहोगे मैं टीवी नहीं देखता, मैं किसी की राय नहीं लेता, भाई कहीं ना आप बड़े इन्वेस्टर्स या बड़े प्रमोटर्स को भी आप फॉलो करते हो और तभी आप निवेश करते हो, सीधी सी बात है। अब यही चीज़ मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाऊंगा, तो इसमें प्रमोटर्स की 31.26% की इक्विटी है। एक भाई इतनी बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है, अच्छे खासे प्राइस पे है,
तो ये नॉर्मल सा डिसेंट है प्रोमोटर्स होल्डिंग इतनी। लेकिन मजा कब आता है, मजा आता है जब इसमें हमें FII की होल्डिंग देखने को मिलती है जो कि 19.81% की है। FII भाई तभी निवेश करते हैं और खासकर IT सेक्टर में जब उस कंपनी के ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और इसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है ना इंडिया के खुद के, वो भी अच्छी खासी होल्डिंग लेकर बैठे हैं 25.92, यानी हमें FII प्रमोटर्स और DII की ऑलमोस्ट 78% की बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 90% प्रमोटर्स पर हैं, FII पे 5 और DII पे 5 है, तीनों पे इक्वल इक्विटी है, ऑलमोस्ट इक्वल इक्विटी। तो ये बहुत ज़्यादा हमें दिखाता है कि आने वाले समय में कितने तगड़े रिटर्न हमें बनाकर दे सकता है या क्या ग्रोथ ये हमें दिखा सकता है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की इस पे मात्र 20.44% की होल्डिंग है। भाई सिंपल सी बात है, अच्छे मौके पे ये ख़रीदना है। अभी बताऊंगा किस प्राइस पे आपको ये ख़रीदना है। बात कर रहे हैं हम प्रेजिडेंट सिस्टम लिमिटेड के बारे में। अब सीधा चलते हैं हमें किस प्राइस पे ये ख़रीदना है। दोस्तों अगर मैं आपको इसके ग्राफ पे दिखाऊं तो आप 5 साल के अगर इसके ग्राफ को देखें तो आप यहाँ पर देखोगे एक सपोर्ट बनता हुआ यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। अभी सपोर्ट कितने प्राइस पर बन रहा है, भाई सिंपल सा मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर ये शेयर आपको 3,000 रुपये के आसपास मिलता है, यानी 3,000, देखो गिरावट इसमें चल रही है पिछले एक महीने से, और अगर ये गिरावट के दौर में आपको 3,000 रुपये का शेयर मिलता है तो आपके लिए वर्थ इट होगा। और रिटर्न ये क्या आपको दिखा सकता है भाई, ये आपको 4500 तक के रिटर्न, ये जो रिटर्न बोल रहा हूँ ना मैं, ये हवा हवाई बातें नहीं बोल रहा हूँ, वरना मैं सीधा बोलता कि 10,000 रुपये हो जाएगा टारगेट, बिल्कुल नहीं, 4,500 का हम यहाँ टारगेट लेकर चलेंगे। जितनी आप क्वांटिटी लेंगे इस टारगेट पे आधी अपने निकाल लेंगे, और आधी अगर हमें लगता है उस समय पे भी कि अभी और ग्रोथ कर सकते हैं तो आधी हम उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। 3,000 रुपये पर एक अच्छा सपोर्ट है, वहाँ से कंपनी रिवर्स ले सकती है। तो भाई अच्छे शेयर अगर आपको चुनने हैं ना तो ऑब्जर्वेशन में तो शेयर को रखना होगा, ठीक है, अच्छे शेयर को ऑब्जर्वेशन में रखो, 3,000 के प्राइस पे बाय करो, अच्छा तगड़ा रिटर्न आपको बनाकर दे देगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अपनी स्टडी ज़रूर ऐड कर लेना, अपनी स्टडी ऐड करोगे एक अच्छा और एक राइट डिसीजन आप किसी भी स्टॉक के ऊपर अपना बना पाओगे। आई होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी ही अन्य आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपके पास समय समय पर पहुँच सके।